अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो को ही कंटिन्यू करते हैं। ये बेसिकली आपको ओवरव्यू दे दूँ हम कर क्या रहे हैं। हम बेसिकली 2017 फिजिक्स 9th क्लास फेडरल बोर्ड का पेपर जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। हमने एक वीडियो बनाई लास्ट, उसमें हमने बेसिकली इस पेपर के जो एमसीक्यूज होते हैं, सेक्शन ए होता है जो 12 नंबर का, 12 क्वेश्चन होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, वो हमने जो है बड़ा डिटेल में हमने स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारे एमसीक्यूज जो हैं वो सॉल्व किए हैं। अब इस वीडियो में जो है हम इसी पेपर का जो है सेक्शन बी जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन बी में जो है ये है कि 15 क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के पास, और आप लोगों ने उसमें से कोई से 11 जो बेस्ट आपको लगते हों या आपको आते हों वो आपने करने होते हैं। तो और हर क्वेश्चन के 3 नंबर होते हैं, और आपने 3 से 4 या मैक्सिमम 5 लाइनों तक ही अपना आंसर जो है वो लिमिट करना होता है। इसमें आपने पॉइंट टू पॉइंट चलना होता है, बहुत ज्यादा डिटेल्स, बहुत ज्यादा गप्पे लगाने की जरूरत नहीं होती, और साफ सुथरा लिखने की कोशिश किया करें। तो चलें अब इस वीडियो को जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो ओके, क्वेश्चन नंबर टू है सेक्शन बी का। क्वेश्चन नंबर टू मतलब सेक्शन बी है। क्वेश्चन नंबर वन फिर आ गया। सन इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। राइट दिस ए एज एन ऑर्डिनरी होल नंबर, बी इन साइंटिफिक नोटेशन। कह रहा है जो सूरज जो है वो जमीन से 150 मिलियन किलोमीटर जो है दूर है। एक तो इसे ऑर्डिनरी नंबर के तौर पे लिख दो, और दूसरा फिर इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो। लेकिन मैं आपके साथ ये जो है क्वेश्चन जो है वो इसका सॉल्यूशन जो है वो शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि ये आपके स्मार्ट सिलेबस 2021 में एक्सक्लूड था, और मैं उस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूँ। तो दोबारा फिर कहूंगा, अगर आपको इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आपने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करना है। फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपके साथ ये सॉल्यूशन जो है वो शेयर करूंगा। और चले हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योर हेयर ग्रोज एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके जो बाल हैं, आपके जो सर के बाल हैं, वो बता रहा है कि वो जो एक दिन में उनका जो ग्रोथ रेट है वो 1 मिलीमीटर है, और वो पूछ क्या रहा है आपसे, वो इसका ग्रोथ रेट पूछ रहा है नैनोमीटर पर सेकंड में। तो सिंपल यूनिट्स की कन्वर्जन है, कुछ भी नहीं है। 1 नैनोमीटर पर डे, 1 मिलीमीटर पर डे और कितने नैनोमीटर पर सेकंड के बराबर होगा, ये इन दोनों के दरमियान रिलेशन उसने पूछी है। ये क्वेश्चन पूछने का मकसद ये है कि आपको यूनिट्स की कन्वर्जन आती है, यानी आपको यूनिट्स के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करना आता है या नहीं, तो वो ये चेक करना चाह रहे हैं। तो देखें, 1 मिलीमीटर पर डे को हम लिख सकते हैं, 1 मिलीमीटर पर डे का मतलब है, होता है कि ये डिवाइड में है, डिवाइड बाय 1 डे, तो 1 मिलीमीटर पर डे। अब देखिए, 1 मिलीमीटर जो होता है ना वो 10^-3 मीटर होता है, ये आपने याद रखना है कि 1 मिलीमीटर जो है 10^-3 मीटर होता है। फिर आगे चलते हैं, तो आगे क्या है, और 1 डे। अब डे को जो है आप इससे बखूबी वाकिफ हैं। एक दिन में देखें, एक दिन में आप सिंपल इस तरह देखें कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। पहले आप कहेंगे ये तो सबको पता है, कोई अगर पढ़ा लिखा नहीं है उसे भी पता है कि एक दिन में जो है वो हमारे पास 24 घंटे वो होते हैं। तो आपने क्या करना है,
आपने वन डे में जो है यहाँ पे आपने 24 आवर्स आ गए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, और फिर 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में फिर कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, फिर हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो वो बेसिकली घंटों में ही रहने देते, हम सेकंड में क्योंकि लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो जवाब है वो पर सेकंड में है। ठीक है, तो इस वजह से हमने मिलीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि मीटर में ऊपर हमें नजर आ रहे हैं। तो हमने 1 डे को 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकेंड, ये लिख लिया। अब यहाँ से आप इसकी अगर कैलकुलेटर से सिंपल सोल्व करें तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, ये मीटर ये ऊपर जाके एस माइनस वन हो जाएगा। तो और ये देखें, 10^-8 है, हमने नैनो में जवाब लिखना है, नैनो 10^-9 होता है। ये देखें यहाँ पे मैंने बता भी दिया कि 1 नैनोमीटर 10^-9 मीटर के बराबर होता है। तो अब देखें यहाँ पे ये है, तो अगर हमने 1 10^-1 लाना है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये डॉट जो है, पॉइंट जो है, ये राइट साइड को तरफ मूव कराएंगे। तो जब राइट साइड की तरफ मूव कराएंगे तो हमारे साथ इसके साथ 1 10^-1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब बेस सेम होती है तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती है, ये रूल है। तो 10^-8 मल्टीप्लाई बाई 10^-1 क्या हो जाएगा, 10^-8 प्लस 10^-8 मल्टीप्लाई बाई 10^-1 हो जाएगा, 10^-8 -1, तो 10^-9 हमारे पास बन जाएगा। और 10^-9 हमें पता है कि ये 1 नैनो होता है, तो इसकी जगह नैनो आ जाएगा, तो हमारे पास 1 मिलीमीटर पर डे आ जाएगा, 11.57, ये ऐसे ही इसकी जगह नैनो आ गया। तो ये बेसिकली देखिए हमने कैसे 1 मिलीमीटर पर डे को नैनोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको क्या पता चला, 1 मिलीमीटर पर डे 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड डे के बराबर होता है। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये है, कैन अ बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड हैव एन एक्सेलरेशन। ये आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, कैन अ बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव एन एक्सेलरेशन। अच्छा, मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं ना मैटर के एफएससी में, आजकल जो फेडरल बोर्ड में भी बना रहे हैं, वो आपकी बुक की एक्सरसाइज से ही आते हैं, इवन एमसीक्यूज भी उधर से ही आ रहे हैं। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से बुक्स की एक्सरसाइज जो है वो सारी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है, समझ के करनी है, ताकि आपके कंसेप्ट के साथ साथ जो है वो डिवेलप हो जाए। सवाल है, कैन अ बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड हैव एन एक्सेलरेशन। क्या एक बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके पास एक्सेलरेशन होगी? तो जो इसका राइट आंसर है वो है बिल्कुल होगी। जब बॉडी जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन होगी, अगर इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। तो क्या पता चला, अगर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन होगी, अगर इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, क्योंकि इसने ये तो नहीं कहा कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ द बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, इट विल हैव एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन एट एवरी इंस्टेंट। तो क्या पता चला, अगर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन होगी, बशर्त ये कि उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही हो। तो और इस अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए हमने एक एग्जांपल ली कि अगर एक बॉडी जो है वो एक सर्कल में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसकी एक्सेलरेशन होगी। क्यों? क्योंकि हर इंस्टेंट के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही होगी। तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट स्पीड के साथ भी अगर बॉडी मूव कर रहा हो तो उसकी एक्सेलरेशन जो है वो होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कार मूविंग एट वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड स्लोस डाउन यूनिफॉर्मली टू 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, रिटर्डेशन जो है ये बेसिकली असलरेशन का नेगेटिव इफेक्ट होता है, मतलब जो नेगेटिव असलरेशन होती है ना उसे हम रिटर्डेशन कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये पूछ रहा है कि कितनी रिटर्डेशन प्रोड्यूस होती है जब कार जो है वो इतनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है 30 मीटर पर सेकेंड,
और स्लो होती होती 15 मीटर पर सेकंड पे आ जाती है, और उसे टाइम कितना लगता है, 15 से 5 सेकंड, सॉरी। तो आप जो डाटा आपके पास गिवन होता है, सबसे पहले तो हमेशा गिवन डाटा को जो है राइट डाउन करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ये है 30 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या है, जितने पे वो आ जाएगी इस वेलोसिटी से स्लो होती होती तो वो 15 मिली सेकंड है। अब टाइम कितना है, 5 सेकंड उसे लगते हैं इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक आने के लिए, तो उस नतीजे में कितनी रिटार्डेशन प्रोड्यूस होती है वो हमने फाइंड करना है। अब इक्वेशन जो है आपने यूज करनी है, देखें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, वी आई आर है, वी एफ आर है, टी आर है। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप नहीं यूज करते सकते, क्योंकि उसमें एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो एस भी अननोन है उसमें, ए भी अननोन है, तो ऐसी इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें बाकी सारे नोन हों एक अननोन हो। और हम 2 AS = VF² - VA², थर्ड इक्वेशन भी नहीं यूज कर सकते क्योंकि उसमें AS अगेन दो अननोन आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, वो क्या होती है, VF = VI + AT, ये हम अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास VF भी है, VI भी है, T भी है और A हमने फाइंड करना है। अब T फाइंड करना है तो T को इधर से कैसे निकालेंगे, AT इधर ही रहने दें आप, VF - VI हो जाएगा। और अब A फाइंड करना है तो ये जो T हम था इस A टी जो था ये टी डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगी VF - VI/T। तो देखें VF क्या है, ये 15 मीटर पर सेकंड है, VI क्या है, ये 30 मीटर पर सेकंड है, टाइम गिवन है 5 सेकंड है। आप पुट करें 15 - 30 - 15 / 5 तो -3 मीटर पर सेकंड क्या, देखिए एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रही है, तभी उसने रिटर्डेशन आपको पहले बता दिया था। तो रिटर्डेशन का जहां मतलब उसके मतलब है एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव आएगी, वो ना भी बताता तब भी एक्सेलरेशन भी अगर लिख देता फिर भी आपके पास ये नेगेटिव ही आनी थी। तो खैर इसका जवाब जो है वो -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई इज इट डेंजरस टू ट्रेवल ऑन द रूफ ऑफ बस, जो बस होती है ना हमारे पास बसेस, उनकी छतों पे सफर करना जो है वो क्यों खतरनाक होता है। हालांकि हम तो देखते हैं कि लोकल तो बसेस आधे से ज्यादा सवारी तो होती छत के ऊपर है, बाहर फिजिक्स में क्यों कह रही है कि कोई इसकी साइंटिफिक रीजन क्या है, तो वो है व्हेन अ बस सडनली टेक्स अ टर्न, कि अगर जब बस अचानक से कोई मोड़ मुड़ती है या रुकती है या स्पीड बढ़ाती है तो फिर क्या होता है, जो पैसेंजर्स होते हैं छत के ऊपर बस की, वो अपना बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं रख सकते इनर्शिया की वजह से, इस वजह से दे फॉल ऑन इधर साइड एंड मे गेट हर्ट, तो गिर सकते हैं और उन्हें जो है वो जख्मी हो सकते हैं, जानी नुकसान भी हो सकता है खुदा ना खास्ता। तो क्वेश्चन था व्हाई इट इज डेंजरस टू ट्रेवल ऑन द रूफ ऑफ बसेस की छत के ऊपर ट्रेवल करना जो है वो क्यों खतरनाक है, तो इसका जवाब हमने ये निकाला कि अगर बस जो है जब अचानक स्पीड बढ़ाएगी या ब्रेक लगाएगी, कोई आगे खुदा ना खास्ता आ जाए, या जब टर्न लेगी स्पीड के साथ, तो फिर क्या होगा, इनर्शिया की वजह से जो पैसेंजर्स जो है वो बस की छत के ऊपर होंगे वो अपना बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं रख सकेंगे और वो बस से गिर सकते हैं और वो हर्ट हो सकते हैं, जख्मी हो सकते हैं, जानी नुकसान भी हो सकता है, तो इस वजह से डेंजरस होता है बस इसकी छत के ऊपर जो है वो ट्रेवल करना। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास m 5 kg प्रोड्यूस्ड एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट एक्सेलरेशन विल बी द सेम फोर्स प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ऑफ मास 8 kg। ओके, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, एक बॉडी जिसका मास 5 किलोग्राम है उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है और वो एक्सेलरेशन उसमें कितनी प्रोड्यूस कर रही है, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। वैसे भी हम पता है जब फोर्स लगती है ना बॉडी के ऊपर उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी यही कहते हैं। बट एक्सेलरेशन विल द सेम फोर्स प्रोड्यूस, अगर इतनी ही फोर्स हो, नहीं वो कह रहा है कि यहां से जो जो फोर्स है ना जो इतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है,
इतनी ही फोर्स हो तो वो कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी अगर एक बॉडी का मास जो है 5 kg की जगह हम 8 kg ले। बड़ा क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बना दिया उसने। चलें सोल्व करते हैं इसे। जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है जो गिवन डेटा होता है पहले वो लिख लेते हैं। मास ऑफ बॉडी क्या है, इसे सपोज m1 क्या लें क्योंकि दो मैसेज हैं, इस तरह दो एक्सेलरेशन होंगी, दो ही फोर्सेज होंगी, कंपेयरिंग जो है वो आसान हो जाएगी। तो m1 जो है वो हमारे पास क्या है 5 kg, a1 10 m/s क्या है, m2 जो है वो 8 kg है। एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड बॉडी जो है वो हमने फाइंड करना है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F=ma। तो उसने ये कहा है कि सेम फोर्स प्रोड्यूस करेगी, मतलब जो इधर फोर्स हो वो भी फोर्स इधर ही होनी चाहिए, लिहाजा हम फोर्स के साथ 1 या 2 नहीं लगा रहे लेकिन एम और ए के साथ 1 और 2 लगा रहे हैं, क्योंकि मैस भी जो है वो भी डिफरेंट हो रहा है, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है फिर वो भी डिफरेंट प्रोड्यूस हो रही है मैस के डिफरेंट होने की वजह से। तो सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट बॉडी के ऊपर जो फोर्स है वो m1a1 है, ऐसे इक्वेशन 1 कह दिया, और जो सेकेंड बॉडी के ऊपर फोर्स होगी वो सपोज हमारे पास m2a2 होगी। अब कंपेयर कर ले, हम पता है जब किसी कुछ इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती हैं तो ऑब्वियसली उनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होती हैं, तो ये तो बेसिक रूल है, लिहाजा राइट हैंड साइड भी इनकी बराबर है, वो आ जाएगा m1a1 = m2a2। अब देखें हमारे पास m1 जो है वो गिवन है, पुट कर दें m1 की जगह 5 आ जाएगा, a1 जो है वो भी हमें गिवन है वो क्या है 10, और m2 जो है 8 kg है वो पुट कर दिया और a2 हमने फाइंड करना है, तो वो ऐसे रह गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 10 ज़रब 5 50 = 8 a2। अब a2 फाइंड करना है, a2 को इधर रहने दें, 50 के नीचे 8 g आगे डिवाइड हो जाएगा तो 50/8 ये हमारे पास a2 आ जाएगा 6.25 m/s², तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन जो है आगे। तो ये फोर्स जो है सेम फोर्स, वो फोर्स जो 5 kg मास के अंदर 10 m/s के स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही थी, वो ही फोर्स 8 kg मास के अंदर जो है वो 6.25 m/s स्क्वायर का एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस करेगी। तो यहां से एक लॉजिक बनाते हैं, क्या समझ आ रहा है कि अगर मास ज्यादा है ठीक है और एक फोर्स सपोज है 1 न्यूटन की, 1 न्यूटन की फोर्स 5 8 kg वाले में जितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी वो ज्यादा होगी, या 1 न्यूटन फोर्स जो 5 kg वाले मास में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। ऑब्वियसली जब मास ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स चाहिए होगी एक्सेलरेशन के लिए। तो अगर फोर्स सेम है सपोज इसके लिए भी 1 न्यूटन फोर्स है, इसके लिए 1 न्यूटन फोर्स है, तो इसमें एक्सेलरेशन जो है वो कम प्रोड्यूस होगा, जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और ये वैसे भी हम पता है F=ma a = F/m, वहां से एक्सेलरेशन और मास की इनवर्स रिलेशन नजर आती है कि मास ज्यादा हो प्रोवाइडिंग फोर्स अगर कांस्टेंट रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा है कि फोर्स कांस्टेंट है, तो मास ज्यादा होगा तो कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो देखें यहाँ पे मास जो है वो ज्यादा है तो कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ मास कम था एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। तो देखें यहाँ 10 m/s क्या था 5 kg के लिए और 8 kg के लिए कितनी हो रही है 6.25 m/s क्या जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो ये आपने जो है वो याद रखने हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल लेंथ ऑफ बेस इज 14 cm, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसपे एक एंगल जो है कम से कम 90 हो, उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो कहते हैं। वो कह रहा है कि उसकी राइट एंगल ट्राइंगल की जो बेस है वो 14 cm है और परपेंडिकुलर जो है वो, अच्छा परपेंडिकुलर वो होता है जो एंगल के ऑपोजिट साइड होती है उस परपेंडिकुलर कहते हैं, वो 3 cm है। तो फाइंड क्या करना है, ए लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, बी साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, सिंपल। अच्छा ये क्वेश्चन भी 2021 के स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, तो इसके मैं डिटेल्ड आपके साथ में सोल्यूशन नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है, मैं आपके साथ इसका डिटेल सोल्यूशन जो है वो शेयर करूंगा, जरूर शेयर करूंगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कि ये आप क्वेश्चन जो है वो कैसे जो है
सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए क्या किया जाता है, ये किया जाता है कि आप एक इस तरह राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे इस तरह, ठीक है, ये एंगल थीटा होगा, ये आपकी 14 सेंटीमीटर है, ये परपेंडिकुलर जो सीधी लाइन है ये 3 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इसके लिए आप राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि ये बड़ी साइड जो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस 14 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 14 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर द रूट कर दें, क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का भी स्क्वायर है, तो आपका जो जवाब आएगा वो आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। फिर अगर वो कहता है साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये सीधी लाइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये जो अभी आपके पास इधर पाइथागोरस थ्योरम से आ रहा है, तो इन दोनों को आप डिवाइड कर दें तो आपका साइन थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 14 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ये जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास आई है, इन दोनों को आप डिवाइड कर दें तो आपके पास कॉस थीटा आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ये इस तरह आप बड़े आसानी से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन टॉर्क एंड कपल, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टॉर्क और कपल दोनों फोर्सेज हैं वैसे देखा जाए तो, लेकिन दोनों में फर्क क्या है ये पूछा है उसने। तो चलिए टॉर्क पहले देख लेते हैं, टॉर्क होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं। अच्छा टॉर्क का एक और नाम भी है आपने याद रखना है, उसे मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। तो अगर आपसे ये कहा जाए डिफरेंशिएट बिटवीन मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड कपल, तो वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके लिए अनसीन हो, वो बेसिकली टॉर्क ही है, टॉर्क का दूसरा नाम मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, इसी वजह से तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इसकी डेफिनेशन में आता है कि फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होता है, इस वजह से इसे मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। फिर ये कि टॉर्क ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स। अच्छा टॉर्क अब होती क्या है, टॉर्क होती है आर इंटू एफ, आर क्लास एफ, आर एफ साइन थीटा, आर जो है हमारे पास जो होता है वो मोमेंट आर्म होता है और एफ जो होता है वो फोर्स होती है, तो टॉर्क हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स होता है। अच्छा इसके बरक्स कपल क्या होते हैं, कपल इज फॉर्मड बाय टू पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन ओपोजिट डायरेक्शन अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। कपल हमारे पास तब फॉर्म होती है जब हमारे पास दो पैरेलल फोर्सेस होनी चाहिए जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, मतलब एक की अगर मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है तो दूसरे की भी 5 न्यूटन होनी चाहिए, लेकिन वो ओपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हो, मतलब एक की अगर अपवर्ड डायरेक्शन है दूसरी की डाउनवर्ड डायरेक्शन होनी चाहिए, तो फिर हमारे पास जो है वो कपल फॉर्म होती है। तो कपल फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, दो हमारे पास पैरल फोर्सेस होनी चाहिए सेम मैग्नीट्यूड की लेकिन ओपोजिट डायरेक्शन में जो है वो एक्ट कर रही हो, तब जो हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है वो कपल की होती है, जबकि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है वो टॉर्क है, तो टॉर्क जो है प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म और अप्लाइड फोर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई डज द वैल्यू ऑफ जी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अच्छा क्वेश्चन है, अब जमीन के ऊपर हमें पता है वैल्यू ऑफ जी कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और जबकि इसी जी की वैल्यू जो है मून पे जाके हमने देखा है कि 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है, तो हमने कैलकुलेट भी की है, वेट अर्थ के ऊपर कैलकुलेट किया है वो डिफरेंट आता है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास तो सेम है चाहे वो अर्थ के ऊपर है या किसी और प्लेनेट के ऊपर ले जाओ, लेकिन जब हम उसका वेट देखते हैं वो डिफरेंट होता है, जमीन के ऊपर कुछ और आता है, मून के ऊपर कुछ और आता है, तो उसकी वजह जो है वो बेसिकली यही है क्योंकि वेट जो है वो mg होता है और जी जो है ये वेरी करता है सरफेस टू सरफेस, अर्थ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मून पे 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इस वजह से वेट भी जो है ऑब्जेक्ट का अर्थ पे कुछ और आता है और मून पे कुछ और आता है, हालांकि मास जो है उस ऑब्जेक्ट का सेम होता है। तो खैर वैल्यू ऑफ जी क्यों चेंज होती है प्लेस टू प्लेस, कि मतलब अर्थ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मून पे जो है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसकी वजह क्या है, वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जवाब है वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, जो जी की वैल्यू है ना ये डिपेंड करती है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस कितना है, एज द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। अब हमें ये भी पता है कि जो जमीन है वो एक स्फीयर नहीं है परफेक्ट, हम कहते हैं अप्रोक्सीमेट करने की लेकिन है नहीं, एंड इट्स रेडियस इज नॉट द सेम एवरीवेयर, और क्योंकि ये स्फीयर नहीं है लिहाजा इसका जो रेडियस है वो भी हर जगह पे सेम नहीं, हाँ अगर स्फीयर हो उसका तो रेडियस जो है हर जगह सेम होता है, therefore value of g is different at different places, यही वजह है कि value of g जो है different है different places के ऊपर।
क्या पता चला कि जी की वैल्यू जो है वो प्लेस टू प्लेस क्यों वेरी करती है? हम ये पता चला कि जो जी की वैल्यू है ये डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट जो है, बॉडी जो है, उसका सेंटर ऑफ आर्क से डिस्टेंस क्या है, और क्योंकि जमीन जो है परफेक्ट सफीयर नहीं है, लिहाजा इसका जो रेडियस है वो भी सेम नहीं है, तो इस वजह से ये जो है वैल्यू ऑफ जी वेरी करती है प्लेस टू प्लेस. विच फॉर्म द एनर्जी इज मोस्ट प्रीफर्ड एंड वाई? कौन सी एनर्जी की फॉर्म जो है हम ज्यादा प्रीफर करते हैं और वाई, क्यों? हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी एक फॉर्म है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है, और डिफरेंट एनर्जीज की फॉर्म हमारे पास होती हैं, लेकिन मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ये आपके स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है. पर आपको अगर डिटेल सोल्यूशन चाहिए आपने कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताना है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा. क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म पावर? पावर क्या है, मतलब डिफाइन कर दो और इसके ऐसे यूनिट लिख दो. ठीक है, तो आधे नंबर पावर के बारे में बताने के हैं, ये है क्या, मतलब क्वांटिटी कौन सी है, और फिर इसकी मैथमेटिकली फॉर्म क्या है, फिर यूनिट लिखने के जो है आधे नंबर उसके हैं, 1.5 प्लस 1.5 3 नंबर बनते हैं. ठीक है, पावर क्या है, पावर को सिंपल डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम पावर कहते हैं, और पावर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, और डिपेंड करती है टाइम के ऊपर, और मैथमेटिकली पावर को, क्योंकि रेट ऑफ डूइंग वर्क है ना, रेट का मतलब होता है टाइम के साथ जब कोई चीज ले रहे हैं, तो वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो पी से रिप्रेजेंट करते हैं पावर को, वर्क डन डब्ल्यू होता है टाइम टेकन टी, पी डब्ल्यू बाई टी, और वर्क की यूनिट जो है वो जौल होती है, टाइम सेकंड होती है, तो जौल पर सेकंड ये वाट होता है, तो पावर की जो यूनिट है वो हमारे पास वाट होती है. पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क स्केलर क्वांटिटी है, पी डब्ल्यू आई टी होता है, यूनिट वाट है इसकी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है जी, अ बर्ज 40 मीटर लॉन्ग एट 8 मीटर ब्रॉड बोथ साइड्स आर वर्टिकल फ्लोट्स पार्शली लोडेड इन वाटर. If 125,000 न्यूटन ऑफ कार्गो इज एडेड, हाउ मेनी मीटर्स विल इट सिंक? ओके, जो गिवन है पहले वो लिख लें, जो बर्ज है उसकी लेंथ और वो कितना ब्रॉड है ये आपको पता है, तो आप एरिया बर्ज को फाइंड कर सकते हैं, वो आ जाएगा सिंपल लेंथ को आप इसकी ब्रॉडनेस से मल्टीप्लाई कर लें, 40 ÷ 8 तो 320 मीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, और एडिशनल लोड जो है वो उसने बताया 125,000 न्यूटन है. ठीक है, तो हाउ मेनी मीटर्स विल इट सिंक, तो इंक्रीज्ड अप थ्रस्ट फोर्स ऑफ वाटर मस्ट बी इक्वल टू द एडिशनल लोड, ये एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, लिहाजा इंक्रीज अप थ्रस्ट फोर्स ऑफ वाटर मस्ट बी, तो अप थ्रस्ट फोर्स एफ, और ये किसके बराबर होती है, ये हमारे पास जो है रो वी जी के बराबर होती है, कि अप थ्रस्ट फोर्स डिपेंड करती है वॉल्यूम क्या है लिक्विड का, डेंसिटी क्या है, और वैल्यू ऑफ जी के ऊपर, और कंडीशन क्या हो इस क्वेश्चन के लिए कि जो इन अप थ्रस्ट फोर्स है इंक्रीज हो रही है, ये किसके एडिशनल लोड के बराबर, और एडिशनल लोड जो है वो ये वेट है 125,000 न्यूटन, तो हम लिख सकते हैं कि एफ जो है इस डब्ल्यू के बराबर होना चाहिए. अब देखें लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इस इक्वेशन 2 कह लें, लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों इक्वेशंस के बराबर है, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड भी जो है वो बराबर होनी चाहिए, तो हम लिख सकते हैं रो वी जी बराबर है डब्ल्यू के. अब जो चीजें गिवन है वो आप पुट कर दें, रो हम पाते हैं डेंसिटी वाटर की, क्योंकि वाटर की बात हो रही है ना, ठीक है, वाटर की बात हो रही है इन वाटर, तो वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, क्योंकि डेंसिटी मैस और वॉल्यूम होता है ना, तो मैस kg और वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो kg पर मीटर क्यूब, लेकिन जो V है वॉल्यूम वाटर का वो हमें नहीं पता, G जो है वो 10 है, और वेट जो एडिशनल लोड जो है वो 125,000 न्यूटन है, वो लिख लिया. यहाँ से आप क्या करेंगे, 125,000 इधर रहने दें, 10 मल्टीप्लाई बाई 1000 ये इधर आके डिवाइड होगा, तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, और ये 12.5 m³ आ रहा है. अच्छा, अब डेप्थ एच टू विच बाय सिंक, हमें ये फाइंड करना है हाउ मेनी मीटर विल इट सिंक, डेप्थ फाइंड करनी है एच टू विच बर्ज सिंक, जब बर्ज जो है वो डूब जाएगा तो वो वॉल्यूम पर यूनिट एरिया हो जाएगा. ठीक है, वी बाई ए वॉल्यूम 12.5 m³ को हमने फाइंड किया, एरिया जो है वो आपने यहाँ से हमने फाइंड कर लिया था, वो 320 मीटर स्क्वायर था, डिवाइड कर लें,
ये मीटर क्यूब है, ये मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब से कटेगा तो 1 मीटर ऊपर बच जाएगा, तो 0.04 मीटर। तो सेंटीमीटर में अगर लिखो तो आप मल्टीप्लाई कर लो इसे 100 से, तो ये बस 4 सेंटीमीटर जो है वो जवाब आ जाएगा। तो दस द बर्ज विल सिंक 4 सेंटीमीटर इन वाटर ऑन एडिंग 125,000 न्यूटन कार्गो। तो अगर पानी के अंदर 125,000 न्यूटन एडिशनल लोड हम वेट डाल देते हैं तो बर्ज जो है वो 4 सेंटीमीटर वाटर में जाके जो है वो सिंक कर जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके जी, क्वेश्चन नंबर जो है 13 है, इसे हम डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में वो कह रहा है एक्सप्लेन हाउ डज अ सबमरीन मूव अप द वाटर सरफेस एंड डाउन इन टू वाटर। क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि एक जो सबमरीन होता है, जो वाटर कोर होता है, वो बेसिकली किस तरह तैरता है, वो यही पूछना चाह रहा है सिंपल आसान अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो। तो एक्सप्लेन कर लेते हैं, जो सबमरीन होता है उसके पास जो है वो एक सिस्टम ऑफ टैंक्स होता है, ठीक है, जिसे बेसिकली क्या कर सकते हैं, जो वाटर के साथ फिल होता है एंड कैन बी इम्पिटाइड फ्रॉम द सी वाटर व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, व्हेन द टैंक्स आर फिल्ड विद वाटर, जब टैंक्स पानी के साथ भरे होते हैं तो वेट ऑफ सबमरीन बिकम्स ग्रेटर देन अ थ्रस्ट, सो इट गोज अंडर वेयर वाटर टू लेट इट कम अप टू द सरफेस द टैंक्स आर इम्प्टीड फ्रॉम सी वाटर। सही होगा, समझा देता हूं मैं आपको क्या होता है कि ये बेसिकली ये पूछ रहा है सवाल में कि ये जो वाटर फोर होते हैं ये कैसे पानी की सरफेस में जाते हैं और फिर बाहर भी आ जाते हैं, डूबते नहीं है। तो बेसिकली इनके पास वाटर जो है वो टैंक्स होते हैं पानी वाले, तो जब ये पानी के साथ जो है वो भर जाते हैं तो फिर क्या होता है, जो सबमरीन होता है वाटर फोर होता है उसका वेट जो है वो अप थ्रस्ट से ज्यादा हो जाता है, तो ये आसानी से वाटर पानी के नीचे जो है वो चला जाता है। तो लेकिन जब इसने वाटर के सरफेस से बाहर होना हो तो फिर क्या करता है, ये जो सी वाटर होता है ना उसमें अपने टैंक को जो है वो खाली कर देता है और फिर ये बाहर आ जाता है। तो इस तरह जो है सबमरीन जो है वाटर फोर जो है वो तैरते हैं पानी में और फिर पानी की सरफेस पे जो है वो आ जाते हैं, लेकिन डूबते नहीं है। फिर आगे दोनों क्वेश्चन जो है वो मैं सोल्व नहीं कर रहा, ये भी आपके स्मार्ट सिलेबस 2021 में इंक्लूड नहीं थे, लेकिन अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। आई विल वेरी हैप्पी टू शेयर दिस क्वेश्चन विद यू और डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को आपने डिफाइन करना है। अच्छा, जहाँ डिफाइन का लफ्ज आ जाने वहां आप कुछ भी ना लिखें, कोई यूनिट ना लिखें, कुछ भी ना लिखें, आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन जहाँ एक्सप्लेन आ जाए वहाँ आपको थोड़ा सा डिफाइन करके, कोई फिजिकल एग्जांपल दे के, कोई मैथमेटिकल रिलेशन, कोई डायमेंशन, कोई फार्मूला, यूनिट वगैरह लिखनी होती है। तो यहाँ पे आपने सिंपल डिफाइन करना है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को, दैट्स इट। और क्वेश्चन नंबर 15 में आपने एक्सप्लेन करना है व्हाई इज डबल वॉल्ड ग्लास वेसल यूज्ड इन थर्मोस फ्लास्क। थर्मोस फ्लास्क में हम डबल वॉल्ड ग्लास वेसल क्यों यूज करते हैं, देखिए एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आपको एक साइंटिफिक रीजन प्रॉपर देनी पड़ेगी कि क्यों हम यूज करते हैं। ऑब्वियसली हम ये यूज तो इसी करते हैं कि गर्म उसे रखना चाहते होते हैं, लेकिन क्यों करते हैं ये आपने जो है इसकी प्रॉपर एक साइंटिफिक रीजन जो है 5 से 6 लाइनों में देनी है। तो इस वीडियो को जो है समअप कर देते हैं। ये बेसिकली इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो है ये पेपर 9th क्लास फेडरल बोर्ड फिजिक्स 2017 का शेयर किया। ये इस पेपर का पार्ट बी है जिसमें हमने जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बड़े डिटेल में सॉल्व किए हैं। 15 क्वेश्चन जो है हमने देखे हैं, कुछ क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं जो 2021 के स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं थे, बाकी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए। हमने क्वेश्चन में देखा कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं, याद रखने वाली बात है 1 मीटर टाइम्स पर माइनस थ्री
मिलीमीटर ट्रांसफार्म में 3 मीटर के बराबर होते हैं, और 1 नैनोमीटर ट्रांसफार्म -9 मीटर के बराबर होते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं तो वो उसकी एक्सलरेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर जब सर्कल में कोई बॉडी मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ तो उसकी एक्सलरेशन होती है। कंडीशन ये है कि बस वो डायरेक्शन जो उसकी हर इंस्टेंट में जो चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की। फिर हमने ये देखा था कि रिटार्डेशन क्या होती है, ये नेगेटिव एक्सलरेशन होती है। और हम सिंपल प्रॉपर फार्मूला यूज करके हम रिटार्डेशन हमने निकाल ली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके। फिर हमने ये देखा कि जो बसेस होती हैं इनकी छत पे ट्रेवल करना जो है खतरनाक क्यों होता है, क्योंकि जब ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है या गाड़ी को स्पीड अप करता है या शॉर्ट टर्न देता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से ये हो सकता है कि जो उसकी वजह से ये हो सकता है कि जो पैसेंजर्स जो हैं वो बस की रूफ पे हैं वो अपना बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं रख सकते और वो गिर सकते हैं और वो हर्ट हो सकते हैं, इवन लाइफ इंजरी भी हो सकती है। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं, एफ इक्वल टू एम ए, अगर फोर्स सेम हो तो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और जिसका मास कम होगा उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। फिर हमने ये देखा कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, उसमें एक एंगल हमारे पास 90 होता है, अगर उसकी बेस और परपेंडिकुलर गिवन है तो हाइपोटेन्यूज हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के सिंपल निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर द रूट, और फिर साइन थीटा हम परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज से फाइंड कर सकते हैं। कपल और टॉर्क में हमने डिफरेंस देखा कि टॉर्क टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म और फोर्स होती है, और कपल जो है इसके लिए दो फोर्सेस पैरेलल फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो और ऑपोजिट डायरेक्शन में वो एक्ट करें तब हमारे पास जो एक कपल फॉर्म होती है। वैल्यू ऑफ जी हमने कहा कि क्यों वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, क्योंकि वैल्यू ऑफ जी जो है डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट का जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस पे है, क्योंकि अर्थ जो है कंप्लीट सफियर नहीं है लिहाजा इसका रेडियस भी वो सेम नहीं है हर जगह पे, इसलिए वैल्यू ऑफ जी वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। फिर हमने कहा पावर जो है ये रेट ऑफ डूइंग वर्क है, इसकी स्केलर क्वांटिटी है W by T, इसकी यूनिट जो है वाट होती है। फिर हमने जो है वो ये देखा कि जो अप थ्रस्ट होती है इंक्रीज अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट तो डिपेंड करती है डेंसिटी क्या है वाटर की लिक्विड की, वॉल्यूम क्या है और वैल्यू ऑफ जी, और अगर कोई एडिशनल लोड हम ऐड कर दें पानी में तो अप थ्रस्ट जो होती है इंक्रीज अप थ्रस्ट ये इस एडिशनल लोड से बैलेंस होती है, और वहां से हम जो है वो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं कि अगर वाटर में हम कोई वेट जो है ऐड कर रहे हैं तो कोई बार जो है तो वो कितने सेंटीमीटर तक जा के पानी में जो है वो डूब जाएगा। फिर हमने ये देखा कि ये जो सब मैरीन होते हैं ये कैसे तैरते हैं, कैसे पानी में तैरते हैं और कैसे पानी की सरफेस ऊपर आ जाते हैं, तो बेसिकली उनके पास जो टैंक्स होते हैं जब वो अंदर जाते हैं तो वो क्या करते हैं टैंक्स वाटर से फिल होते हैं तो वो उनका जो वेट होता है वो अप थ्रस्ट से ज्यादा हो जाता है, और जब उन्हें बाहर आना हो तो वो सी वाटर में जो है पानी के टैंक जो खाली कर देते हैं। तो इसके साथ ये इस पेपर का ये पार्ट टू कंप्लीट हुआ, इस वीडियो को यहाँ पे हम लोग जो है वो एंड कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।